तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि लैंसन और विहिंग रात को ना सो गए थे, और ना जब विहिंग सुबह उठा ना वो लैंसन को ढूंढने लगा, क्योंकि उसे थैंक यू बोलना चाहता था और कुछ भी बताना चाहता था इसी वजह से। और लैंसन तो कमरे में नहीं था ना, तो विहिंग ना उसे बाहर ढूंढने लगता है। उसके बाद ना वो जियांगचन और सिचन के कमरे के बाहर जाता है, तो वहाँ पे देखता है, मतलब दरवाज़ा खुला हुआ था, तो देखता है कि दोनों भाई बात कर रहे हैं। तो वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है और सोचता है कि लैंसन जब बाहर आएगा तो मैं उससे बात कर लूँगा, ऐसा सोचता है। तो हमारे सिचन का जो थे ना वो लैंसन से कहते हैं कि तुमने विहिंग को इसलिए किडनैप किया था कि मेरे और चैंग की शादी हो जाए, क्योंकि मैं और चैंग एक दूसरे से प्यार करते हैं, और मैंने जब उनके घर रिश्ता भेजा था तो उन्हें लगा कि मैं विहिंग के लिए रिश्ता भेज रहा हूँ, इसीलिए उन्होंने हमारे दोनों की शादी तय कर दी। और मुझे शादी के दिन ही पता लगा था कि विहिंग से मेरी शादी होने वाली है, क्योंकि हमारे घर में रूल है कि हम अपने पार्टनर को मतलब नहीं देख सकते शादी तक और बात भी नहीं कर सकते, तो ऐसा हुआ था। तो मैंने तुम्हें शादी के मतलब उस दिन ही बताया था कि मैं चैंग से प्यार करता हूँ, विहिंग से नहीं करता, तो तुम कुछ करो करके मैंने कहा था, तो तुमने विहिंग को किडनैप कर लिया था। और तुमने विहिंग से शादी क्यों किया? क्योंकि तुम तो किसी से प्यार करते थे ना, मुझे जितना पता है उस हिसाब से बोलते हैं। तो ना हमारा विहिंग ना ये सब सुन रहा था, और ना उसको लग रहा था कि लैंसन उससे प्यार करता है इसी वजह से शादी किया है। तो विहिंग को जब लैंसन ने बचाया था ना मतलब कल के हादसे के बाद, तो हमारा विहिंग ना लैंसन को ना पसंद करने लगा था, और ना उसे ना थैंक यू कहना चाहता था और अपने दिल की बात बताना चाहता था कि वो भी लैंसन को पसंद करता है करके। लेकिन वो ये सुन रहा है कि लैंसन किसी और से प्यार करता था, मुझसे नहीं करता था, मुझे अपने भाई और मेरे भाई की शादी करवाने के लिए किडनैप किया था। तो हमारा विहिंग ना ये सब सोच रहा होता है, और ना वो मतलब अपने कमरे में आ जाता है, और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब विहिंग चला गया था ना, तो ना हमारा लैंसन जो था वो कहता है कि भाई आपको पता नहीं है शायद कि मैं विहिंग से ही प्यार करता था, बोलता है। तो सिचन का बोलते हैं कि कैसे तुम उसे कहाँ मिले थे, ये सब पूछते हैं। तो हमारा लैंसन कहता है कि मैं एक पार्टी में गया था, तो मैंने तभी मतलब वहाँ पे विहिंग को देखा था और मुझे विहिंग पसंद आ गया था, बोलता है। और मैं उसे ढूंढ रहा था और वो मुझे नहीं मिल रहा था, और जब आपके मतलब जिससे शादी होने वाली थी उसको किडनैप करने गया ना मैं, तो मैंने तभी विहिंग को देखा। तो मुझे लगा कि मुझे विहिंग से शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका रिश्ता और किसी के साथ भी तो तय हो सकता है, ये सब लगा। तो मैंने विहिंग से शादी कर लिया, और मैंने अंकल से सच ही कहा था कि मैं विहिंग से मतलब प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ, इसी वजह से शादी किया है, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उससे दूर नहीं रह सकता, भाई, बोलता है। तो सिचन गाना मुस्कुराते हैं और हाँ कहते हैं। और उसके बाद ना हमारा लैंसन जो होता है ना वो वहाँ से चला जाता है, और दूसरी तरफ जो था ना हमारा विहिंग, वो ना मतलब उसका ना दिल टूट गया था ये सुनकर कि लैंसन किसी से प्यार करता था, लेकिन उसने तो पूरी बात सुनी ही नहीं थी। और उसे लगने लगता है कि जो वेंचिंग है ना, जो ओमेगा थी जो लैंसन के साथ रहती है, लैंसन उससे प्यार करता है, ऐसा सब लग रहा था उसे। तो ना वो सोच रहा था कि वेंचिंग से ही लैंसन की शादी होनी चाहिए थी, मुझसे नहीं होनी चाहिए थी, ये सब सोच रहा था। और ना लैंसन कमरे में आता है और कहता है, विहिंग, बोलता है। तो ना हमारा विहिंग जो होता है ना अपने आंसू पोंछ लेता है और लैंसन को नहीं दिखाता है, और हमारा लैंसन कहता है कि
चलो हमें कॉलेज जाना है, रेडी हो जाओ बोलता है। तो हमारा भीम हाँ कहता है। उसके बाद ना वो लोग रेडी होते हैं और ना वो तीनों कॉलेज जाते हैं, जियांगचेंग, विहिंग और लैंसैन करके जाते हैं। और ना हमारा मतलब विहिंग जो था ना वो ना मतलब निहुसैन को ना सब बताता है कि ऐसा सब हुआ, मैंने ऐसा सब सुना बोलता है, और ना वो रोने लगता है। तो ना हमारा लैंसैन जो होता है ना वो विहिंग और निहुसैन को एक साथ देख लेता है। और ना हमारा मतलब विहिंग जो था ना वो निहुसैन को हक किए हुए था। तो ये देखकर ना हमारा भी हमारा लैंसैन जो होता है ना वो गुस्से में हो जाता है। और ना वो ना मतलब कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उसे पता लगा था कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है करके, उनके बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है करके ऐसा पता लगा था। तो वो कुछ नहीं करता है और ना वो गुस्से में होता है। और उसके बाद ना वो वहाँ से चला जाता है और ना अपने मतलब माफिया वाले काम करने लगता है। मतलब कुछ लोगों को मतलब उसके आदमी पकड़ के लाए थे और कह रहे थे कि ये दोनों ना यहाँ पे ड्रग्स सप्लाई करते हैं, तो आप इनका क्या मतलब क्या करना है सब पूछते हैं। तो ना हमारे लैंसैन के सिर के ऊपर तो गुस्सा चढ़ा हुआ था ना, वो दोनों को ना बहुत मारता है और कहता है कि मेरे इलाके में ड्रग्स कैसे बेच रहे हो तुम, यहाँ पे ऐसा काम नहीं होता, ये सब बोलता है और ना उनको बहुत मारता है। और उसके बाद ना वो मतलब उसका गुस्सा शांत होता है और फिर वो घर आ जाता है। और ना हमारा विहिंग और चैंग भी घर आ चुके थे। और हमारा लैंसैन जो था ना विहिंग को मतलब पूछना तो चाहता था कि निहुसैन से गले क्यों मिले थे, लेकिन वो नहीं पूछ रहा था। और उसके बाद ना हमारा मतलब लैंसैन जो होता है ना वो पूछ ही लेता है कि तुम निहुसैन से गले क्यों मिले थे बोलता है। तो विहिंग कहता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है इसीलिए मिला था बोलता है। और ना वो ना वहाँ से चला जाता है बाथरूम। और ना हमारा लैंसैन सोचता है कि ये मेरे से अच्छे से बात भी नहीं कर सकता और मेरे को कैसा जवाब दे रहा है, ऐसा सब सोचता है। उसके बाद ना वो दोनों डिनर करते हैं मतलब बाकी लोगों के साथ, और वो दोनों जाकर सो जाते हैं। और उसके बाद ना ऐसे करते करते और कुछ दिन बीत जाते हैं, 7-8 दिन बीत जाते हैं। और ना हमारे मतलब लैंसैन, विहिंग और जियांगचेंग ना कॉलेज गए हुए थे। तो ना हमारा विहिंग और ना निहुसैन ना कैंटीन में बैठे हुए थे। और ना हमारा निहुसैन जो था ना वो विहिंग को ना प्रपोज कर रहा था, ऐसा लग रहा था सबको। और ना हमारा विहिंग ना बहुत खुश हो रहा था। और ना ये सब ना हमारा लैंसैन देख लेता है और ना गुस्सा हो जाता है। और ना हम कल सुनेंगे कि ये आगे हमारा लैंसैन क्या करता है और हमारा विहिंग इतना खुश क्यों हो रहा था, और हम कल सुनेंगे। ओके बाय। और आपको अगर ये FF पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट तो ज़रूरी करना प्लीज़। हाँ मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट का। ओके बाय।